अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफाज़त में रखे। आज हम अलसी की पिन्नियाँ बनाएंगे। ये हमने अलसी ली है 1 किलो और ये गंदम ली है हमने 2 किलो। अलसी को हम भूनेंगे और गंदम को भी भूनेंगे, फिर हम बाद में इसको ग्राइंड करके फिर बाकी रेसिपी आपको फिर बाद में दिखाएंगे। अब हम शुरू करते हैं ये अलसी भूनना। आधी अलसी हम डालेंगे, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, आधी हम दोबारा फिर भूनेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें से ये आवाज़ भी आने लग जाएगी, भूनते हुए जब आवाज़ आती है। अच्छी तकरीबन भून चुकी है और चमचा हमने उस सर से चलाते रहना है, रोकना नहीं है, क्योंकि ये नीचे लग जाए काली हो जाती है। और इसको इसमें से आवाज़ भी आने लगी है भुनने की। अब इसको हम निकालेंगे और जो बाकी बची है वो डालेंगे इसके अंदर। अलसी हमने भून ली है, अब हम गंदम भूनेंगे। ये थोड़ी थोड़ी डालकर हम ये भूनेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, इसका कलर हम ब्राउन, हल्का ब्राउन करेंगे, फिर ये भून जाएगी गंदम। माशाल्लाह गंदम हमारी भून रही है और इसमें कड़कने की आवाज़ आ रही है। और इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि, और आहिस्ता चूल्हे पे भून रहे हैं ये अंदर तक अच्छी तरह भून जाए। तेज चूल्हे पे नहीं इसको भूनना, ऊपर ऊपर से ये ब्लैक हो जाएगी और अंदर से ये कच्चा जाए कच्ची रह जाएगी। और इसको थोड़ा सा हम और भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह भून जाए और इसका फिर टेस्ट भी अच्छा बनता है। गंदम हमारी माशाल्लाह भून चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे। ये हमने तेल लिए, इनको हम हल्का सा भूनेंगे बगैर घी के, ऐसे भूनेंगे जैसे हमने गंदम भुनी है, अलसी भुनी, इसी तरह इसको हम हल्का सा भूनेंगे। तेल बन चुके हैं, अब इनको हम निकालेंगे प्लेट के अंदर। हम ये अखरोट लिए, अब इनको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हमने घी डाला कढ़ाई के अंदर और उसमें ये हम डाल देंगे, इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, फिर ये निकाल देंगे। ये बादाम लिए हमने, ये भी इसी के अंदर हम डाल देंगे, ये भी फ्राई करेंगे। अखरोट और बादाम फ्राई हो चुके हैं, इसको हम अब निकाल देंगे। अब हमने गंदम भी भून ली और अलसी भी, अब इसको हम ग्राइंड करने लगे हैं। ये हमने ग्राइंडर जार लिया है, इसमें हम ग्राइंड करेंगे, वो हमारी मशीन पड़ी है। इसी तरह हम अलसी भी ग्राइंड कर लेंगे और ये गंदम भी ग्राइंड कर लेंगे, और बाकी रेसिपी बाद में दिखाते हैं आपको। अब हम चाश बनाएंगे। ये हमने शक्कर ली है 1 किलो, इसको डालेंगे कढ़ाई के अंदर और इसमें ये 1 गिलास पानी डालेंगे। इसको हम हिलाते रहेंगे अच्छी तरह, इसको चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि नीचे ये साथ कढ़ाई के साथ ना ये लग जाए। अब ये चाशनी को हम छानेंगे छानने के साथ। चाश को हमने छान लिया, ये अंदर से ये चीज़ें निकली हैं। अब ये हम दोबारा कढ़ाई के अंदर डालेंगे, इसको दोबारा पकाएंगे। अब ये बिल्कुल ये साफ़ हो चुकी है। ये हमने 5-6 इलायची ली है, इनको हमने ये ऐसे कूट लिया है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये अब चाश हमारी पक रही है, घी भी हम इसी के अंदर ही डालेंगे। चाश पक चुकी है, अब इसके अंदर हम 1/2 किलो घी डालेंगे। ये किलो का पैकेट है, ये हमने आधा डाल दिया इसके अंदर। आटा और अलसी हमने ये सारा मिक्स करके रख लिया। अब इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट वो डालेंगे, नारियल को हमने हल्का सा फ्राई किया था ये डालेंगे, और ये है किशमिश, ये हमने फ्राई की थी ये डाल दिए, और ये बादाम और ये अखरोट है वो हमने इनको डाल दिया। ये बड़े बड़े जो पीस थे वो हमने छोटे कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे चाश, ये चाश है ये पक चुकी है। अब इसको हमने इसके अंदर डालना है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये चाश हमने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लिया सारा, ये ठीक हो गया। अब हम इसकी पिन्नियाँ बनाएंगे। इससे गर्म गर्म ही पिन्नियाँ बनाते हैं, ठंडी हो जाए तो फिर ये नहीं बनती। ये माशाल्लाह इतनी अच्छी बन रही है। ये इसी तरह हम सारी एक ही सब की पिन्नियाँ बना लेंगे। माशाल्लाह हमने अलसी की पिन्नियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और बड़ी अच्छी बनी है, बड़ी टेस्टी है, और इनको ज़रूर खाना चाहिए। आजकल सर्दी के मौसम में ये जोड़ों के लिए और बहुत अच्छी होती है, जिस्म को गर्मी देती है और सर्दी कम लगती है। और ये हमारी रेसिपी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।